जैसे कि ये हमारा डैम है, ये रांची से लगभग 32 किलोमीटर दूर पे गेतलसू डैम है, डैम पे हम प्लांट क्यों लगा रहे हैं, वो भी सोलर प्लांट, और ख़ास करके बैटरी बैंक के साथ क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है डैम का वो पूरा रडार पे काम करती है, और रडार पूरा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटे ऑनलाइन रखना पड़ता है, और उसमें लाइटें हैं, सीसीटीवी कैमरा है, सारा कुछ ऑनलाइन रहता है। उसको सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलर प्लांट लगाएं, क्योंकि उससे ग्रिड का सप्लाई नहीं आया हुआ है, आता है कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज की वजह से पूरा सप्लाई कभी कट जाता है, लेकिन हमारा सिस्टम तो बंद नहीं रख सकते। इस पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा बैटरी बैंक लगा रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा है, और कंप्यूटर सिस्टम भी है। इसके लिए हम लोग हाइब्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं पीसीयू के साथ, ताकि फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा कुछ देखते हुए यहाँ पे स्टेट कॉन का 10 kVA हाइब्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं 120 वोल्ट में, और 150 एम्पीयर का 30 बैटरी एक साइड का दे रहे हैं, पूरा बैटरी बैंक बना करके स्टैंड के साथ। उसके साथ यहाँ जो सोलर मॉड्यूल है वो फर्स्ट टाइम हम लोग अदानी का सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं, और वो भी 340 वाट का पॉली पैनल में। और ये इसलिए क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो सेंक्शन होकर आता है वही प्रोडक्ट हम लोग को देना होता है। टेंडर जो निकला था उस टेंडर में जो मेंशन था कि हमको आपको ये प्रोडक्ट देना है, वही प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ चूंकि हम हाइब्रिड प्लांट लगा रहा है उसमें बैटरी बैंक बनाना है, मतलब 30 बैटरी रखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको बैटरी स्टैंड की, क्योंकि अगर बैटरी को सीधे ऐसे रख देंगे तो बहुत सारा जगह ले लेगा, इसलिए हमें मजबूत बैटरी स्टैंड हम लोग बना रहे हैं और अब इस पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। क्योंकि इंस्टॉलेशन में ध्यान रखना है कि हमारा जो बैटरी स्टैंड है उसमें बैटरी अच्छे से अरेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने उसी अनुसार डिज़ाइन किया है। तो एक लाइन में हमने टोटल 11 बैटरी रखा है, और उसके जस्ट साइड में मतलब उसको फ्लैट टेढ़ा करके 4 बैटरी रखा है, मतलब इस तरह से एक नीचे में 15 बैटरी हो गया और ऊपर में 15 बैटरी हो गया, इस तरह से टोटल जो हो गया 30 बैटरी हमारा अरेंज हो गया। ये स्टैंड देखने के बाद आप लोगों के मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि आपने जो ये एक पट्टी दिया है एक साइड से, अगर दूसरे साइड से भी पट्टी दे देते तो आपका बैटरी और अच्छे से मजबूती से रखा पाता, अगर बैटरी थोड़ा भी इधर उधर घसकेगा तो आपका बैटरी गिर सकता है। बट बिलीव मी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितना बैटरी का जो मोटाई है और लंबाई चौड़ाई उसी के अनुसार इसका डिज़ाइन किया गया है, तो बैटरी इधर उधर घसकेगा नहीं, उसका हमने पूरा इंतजाम कर दिया है। फिर भी इसमें एक पट्टी और देना चाहिए था, लेकिन चूँकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टैंड नहीं था और जो वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल था उसके अनुसार हमने इसका डिज़ाइन हमने करवा दिया है, पेंटिंग करके लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने बैकअप के बारे में आपको बताते ही हैं कि अगर बैटरी कितना लगाना चाहिए, कितने बैटरी लगाने से आपको कितना बैकअप मिलेगा, और कितना लोड चलाने पर आपको कितना बैकअप मिलेगा, और इस सबका कैलकुलेशन आपको करना है। तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि बैटरी का जो वोल्टेज है, अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 मल्टीप्लाई कितने एम्पियर का बैटरी है, मतलब ये 200 एम्पियर का बैटरी है या 150 एम्पियर का बैटरी है तो उतना एम्पियर से मल्टीप्लाई, एंड देन नंबर ऑफ बैटरी से मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे 30 बैटरी है तो 30 मल्टीप्लाई 150, चूँकि 150 एम्पियर है, और मल्टीप्लाई 12, उसके बाद जो भी इक्वेशन निकलेगा वो हमारा एक्चुअल नहीं हुआ, वो हमारे पूरे बैटरी का कैपेसिटी हो गया। बट इसका हम 30% से 40% इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैं मिनिमम 30% तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, -30% कर देंगे। उसके बाद चूंकि अगर फुल चार्ज होगा तो -30% कर देंगे, उसके बाद जो पावर बचेगा वो हमारा यूजेबल पावर रहेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं, या डेली यूज में हम जितना भी लोड चलाएंगे उसी में पावर से चलाएंगे। अगर हम 30% से नीचे चले जाएंगे, अगर यूज कर लेंगे तो हमारा जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में चल जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग बैटरी बैंक बना रहे हैं इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके सर्च कर लीजिएगा और पूरा डिटेल में जान लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं उसका हम वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते भी हैं, और उसमें वही चीज़ डालते हैं, वही सच्चाई दिखाते हैं जो हम लोग काम करते हैं, और बिल्कुल सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर भ्रमित ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो भ्रमित वीडियो डाल देते हैं, और जो एक्चुअल में होता नहीं है उसका भी वीडियो बना के डाल देते हैं, मतलब प्रचार करने के व्यू से, बट एक्चुअल में वो सब होता नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ये बस गया है कि यूट्यूब से वीडियो देख करके कभी भी कोई प्लांट नहीं लगाना चाहिए, कोई सिस्टम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उस तो सीधे प्रचार कर रहा है।
लेकिन हम लोग किसी का प्रचार नहीं करते, हम लोग एक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्लांट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, और कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, आपके घर के लिए क्या सूटेबल है, और किससे लगवाना चाहिए, किससे प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग दिखाते हैं। और अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लगाते हैं, तो कैसे लगवाना चाहिए, और यही हम बताने की कोशिश करते हैं, हमसे लगवाएं या किसी और से लगवाएं, बट आपको सावधानी बरतनी है, आपको धोखा नहीं खाना है, यही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे व्यूअर हैं, तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा। हम सोलर का ही प्रमोशन करेंगे, और प्योर सोलर का प्रमोशन करेंगे, किसी कंपनी विशेष का प्रमोशन नहीं करेंगे, और वही चीज़ आपको हम अपने वीडियो में दिखाएंगे जो एक्चुअल में होता है और हमारे साथ घटता है, और जहाँ हम कहीं लगाते हैं तो जो भी कस्टमर का फीडबैक आता है वही हम इसमें पुट करते हैं। तो अगर आप हमारा व्यूअर है या हमारे सब्सक्राइबर है, तो आपको निराशा कभी हाथ नहीं लगेगा, और हमारे वीडियो में कभी आप कोई ऐसा वाहियात चीज़ नहीं दिखेगा जो लगेगा कि यार ये क्या दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, हम पूरा स्ट्रिंग बना लिए हैं, तो यहाँ हम टेस्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हमारा स्ट्रिंग सही है या नहीं। अब जब हमारा स्ट्रिंग चेक हो गया है कि हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल सही बन गया है, तो अब इसे इन्वर्टर हमने पुट कर लिया है, और यहाँ पे आउटपुट भी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको यह आउटपुट वायर दिख रहा होगा लोड वाला, लेकिन इनपुट नहीं दिखेगा, और इसमें सोलर नहीं दिखाया, चूंकि हम अभी उसका इंस्टॉलेशन ही नहीं किए हैं। और देख रहे, अभी सारा एमसीबी डाउन है, अभी किसी को भी अप नहीं किया है, उसके साथ अर्थिंग पर पॉइंट भी खाली है, क्योंकि हमने अर्थिंग उसमें डाला ही नहीं है, अब सब डालेंगे। और उसका देख रहे कि जो VOC रेंज है, VOC रेंज के अनुसार ही हमको सोलर लगाना है, वो कितना है, 360 VDC है। अब जब हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया है, तो जो हमने बैटरी यहाँ यूज किया है वो है एक्साइट का टेबलर बैटरी 150 एम्पीयर में, और वो भी फुल्ली 5 ईयर वारंटी वाला है। अब MCB ऑन करते हैं, जैसे ऑन किए तो इन्वर्टर में लाइट आ गया और इसका ग्रीन जल गया, मतलब इन्वर्टर ऑन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, हमको कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अगर इसमें प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती तो हम इसको जो प्लस पॉइंट है उसको डाल के रखते, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता। फ्रेंड्स, अब हमारा इन्वर्टर जो है, चूँकि ऑन हो गया है, तो इसमें हमने लोड का वायर पहले से कनेक्ट कर रखा है, तो अब हम पहले लोड टेस्ट करेंगे, लोड चला के देखेंगे कि इस इन्वर्टर पे, चूँकि अभी बैटरी तो चार्ज कुछ ना कुछ होगा ही, पर लोड कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, या लोड कोई सिस्टम है या नहीं है। तो पहले हम लोड चला के देख रहे हैं, तो लोड हमारा अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पूरा इन्वर्टर का कनेक्शन कर लिया, बैटरी का कनेक्शन कर लिया, लोड भी चला के देख लिया, लेकिन अब हम लगाने चल रहे हैं सोलर। सोलर लगाने में सबसे मेन है, क्योंकि हम ग्राउंड माउंटिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पहले तो गड्ढा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि हमने जैसे ही गड्ढा किया 3 फीट से ज़्यादा, तो यहाँ पे पानी निकलने लगा है, क्योंकि सलसल जगह है यहाँ, इस थोड़ा से बाजू में मतलब नदी बह रही है, और इसके वजह से यहाँ पे सलसल जगह निकल गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चूँकि 5 फीट हमको गड्ढा कैसे भी करना ही है, चूँकि जो पैरामीटर वो तो करना ही फुल फिल, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरफ पाइप से पानी निकाल रहे हैं मोटर लगा करके, और उसमें दूसरी तरफ ढलाई करते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देर ही छोड़ते हैं तो पानी निकलने लगता है, इस वजह से हम, तो वहाँ पे हमने पूरा सावधानी से काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस हमारा 2 दिन से चल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा देर हम छोड़ते हैं पानी आ जाता है, इसकी वजह से हमें बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ हम लोग यहाँ पर सीमेंट का मात्रा हम लोग खास करके एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो पिलर बने वो मजबूत बने, और जल्दी से हम लोग उसमें माटी फिल करके फिर हम उस पर सोलर लगा सके। ग्राउंड माउंटिंग है, तो हम पूरा जो पूरा भार है वो पूरा स्टैंड पर ही रहने वाला है, इसी वजह से, तो जो भी यहाँ दिक्कतें आई हैं वो बाकी जगह तो नहीं आएगी, लेकिन हमें स्ट्रेंथ देना है, इस वजह से हमने ये सारा पैरामीटर अपनाया है। इसका जब हम पूरा ढलाई कर लेंगे, तो इसे हमें कम से कम 5 दिन के लिए छोड़ना भी पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से सूख सके। सूखने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, फिर इसमें अच्छे से माटी भर करके, जब ये देखेंगे कि मजबूत हो गया है, तभी इसमें हमें सोलर लगाना है। तो देख रहे कि हमारा जो पूरा का पूरा पिलर है वो हम मतलब रेडी हो गया है, इसमें बालू सीमेंट गिट्टी से फिल कर लिया हमने, और ये अब फाइनली रेडी हो गया है 5 फीट का स्ट्रेंथ के साथ, 5 फीट की ढलाई के साथ। देख रहे हैं, ये जो हमने ढलाई करवाया है पूरा 1x1x1 है, मतलब 12 इंच x12 इंच x12 इंच है, जो हमने पैरामीटर तय किया था डील करते टाइम वही किया है, और यही हम लोग हर प्रोजेक्ट में करते हैं कि जो फाइनल हो गया वही काम करके देंगे, वही सामान देंगे आपको। ओके,
अब ये पूरी तरह सूख गया है, तो इसमें हम अब माटी डाले जा रहे हैं और इसको ओपन कर लिया। अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर हमारा उस पर टाइट कर लिए हैं पूरा माटी भर करके। अब देख रहे हैं अभी हिल भी नहीं रहा। अब इस पर हमने सोलर लगाना शुरू कर दिया है, चूँकि अब स्टेंट हमको मिल गया है कि हाँ अब इस पर सोलर लगा सकते हैं, इस वजह से। तो देख रहे हैं सोलर लगा लिया, इसमें हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि हाँ क्या वी ओ सी इस टाइम पर हमें मिल रहा है। और पैनल इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट रेडी हो गया पूरा लग करके। यहाँ पे टोटल 24 सोलर मॉड्यूल हम लोग लगा रहे हैं। और ये जो सोलर मॉड्यूल है ये फर्स्ट टाइम हम लोग अडानी का जो 340 वाट वाला पॉली में मॉड्यूल आता है वो लगाया, और यहाँ पे हमने एजे भी लगाया है। और यहाँ पे हमने MC4 कनेक्टर से जो मॉड्यूल है उसको 3-in-1-out से पहले उसको पैरेलल कर लिया है, और 8-8 कास्टिंग बना करके इसी पाइप से होते हुए हम लोग अंडरग्राउंड करते हुए ले गए। यहाँ हमने टोटल 3 अर्थिंग किया है, जिसमें से एक अर्थिंग दिया अपना प्रॉपर इन्वर्टर के लिए, जो इन्वर्टर में पॉइंट दिया हुआ था रॉड निकला हुआ था, जो हमने बताया कि यहाँ पे एक अर्थिंग देंगे, तो ये अर्थिंग उसी से कनेक्ट किया है। उसके बाद एक अर्थिंग दिया हमने AJB के साथ, ठीक है, और एक बॉडी अर्थ दिया है अपने स्ट्रक्चर को, और एक अर्थिंग दिया है हमने लाइटिंग अरेस्टर का। फ्रेंड्स सोलर का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ग्राउंड माउंटिंग है, वो भी 5 फीट, तो उसको अर्थिंग तो ऑलरेडी मिल रहा है, इसलिए उसमें मतलब सिर्फ बॉडी अर्थ ही दिया है। लेकिन अपना जो SPD है जो इनपुट से कनेक्ट होगा, और जो इसके AC पॉइंट बोलेंगे उसमें भी अर्थिंग देना ज़रूरी था, और वो जो वहाँ जो हमने अर्थिंग यूज किया है वो इन्वर्टर में जो अर्थिंग दिया है उसी से कॉमन करके यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने AC पॉइंट लगाया है, और ये छोटा सा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हैंग करने का ऑप्शन ही नहीं था इस वजह से। और फाइनली यहाँ पे हमारा जो पूरा इन्वर्टर है वो रेडी हो गया है, इनपुट वायर लग के, सोलर वायर लग के, और प्लस बैटरी और इन्वर्टर तो पहले से कनेक्ट था ही, मतलब हमारा पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है। और ये जो आपको दिख रहा है कि हमने DC बस बार को कहीं हैंग क्यों नहीं किया, क्योंकि हैंग करने का यहाँ ऑप्शन ही नहीं था, इस वजह से सीधे ही उस पर रख दिया है। और फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है पूरा कंडीशनिंग मोड में है, इसमें चूँकि AC वायर का जो सप्लाई तो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कनेक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से कर लिया है, क्योंकि लाइट कभी आता है कभी जाता है कभी कट जाता है, इस वजह से जब आएगा तो चार्ज करेगा, नहीं आएगा तो सोलर तो है ही चार्ज करने के लिए। और देख रहे हैं कि हमारा यहाँ भी AC से भी कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन कब कट जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा जो सोलर से वो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी लाइट कटेगी तो हमारा सोलर ऑलरेडी काम करता रहेगा, और रात के लिए 30 बैटरी बैंक है जो चार्ज कर ही लेगा सोलर के साथ साथ ग्रिड से भी। ओके, अब हमारा जो इन्वर्टर कंप्लीट रेडी है, मतलब अब हमारा लोड भी चल रहा है, सोलर से चार्ज भी कर रहा है, ग्रिड से भी चार्ज कर रहा है, और मतलब सब कुछ हो गया है। अब चूंकि लाइट कट जाएगी तो भी हमारा सोलर अवेलेबल रहेगा, तो सोलर से चार्ज करता रहेगा और लोड भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लोड बढ़ेगा भी घटेगा भी, मतलब हमारा सोलर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो अभी AC वोल्टेज इतना आपको दिखा रहा है, ये इनपुट का ये टेम्परेचर दिखाता है, आगे बढ़ते जाएंगे बैटरी का, इन्वर्टर का है, ठीक है, सब टेम्परेचर यहाँ सेंस कर रहा है। उसके बाद DC बस बार देख रहे हैं, इतना एम्पियर चार्ज कर रहा है और 9 एम्पियर से लोड चला रहे हैं, मतलब टोटल लगभग पकड़िए कि 10 एम्पियर हमको दे रहा है सोलर से, आपको नीचे भी दिख रहा है, ठीक है, सोलर का वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपको बैटरी का जुड़ना है तो हमें देख रहे हैं हमारा जो सोलर है प्रॉपरली अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, बट जितना बैटरी चार्ज करना रहेगा उतना करेगा, उतना ही एम्पियर, चूँकि ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड का आप लोग काम जानते हैं कि ऑफ ग्रिड कैसे काम करती है, और इसका हमने पूरा वीडियो बना रखा है कि इसका सेटिंग कैसे करना है, मतलब सारा चीज़ बता रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा उस वीडियो को, और कुछ क्वायरी भी होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट करके हमें वहाँ पे मिल सकते हैं, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई त्रुटि होगा तो आप हमें कॉल करके ही बता सकते हैं, और अगर इंस्टॉल करवाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसका नंबर आपको फ्लैश करता हूँ, आपको यहाँ पर मिल रहा है। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, चूँकि ये हमने शूट नहीं किया है, शूट हम चूँकि हम साइट पे नहीं जा पाए थे, जिसके वजह से वहाँ वर्कर के द्वारा हम ये वीडियो भेजा गया था, इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि दिख सकता है और क्लियर उतना नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बट बिलीव मी इसके बाद जो भी वीडियो आने वाला है, चूँकि इसके बाद हम लगभग 8 से 10 वीडियो बना के रख चुके हैं, चूँकि इंस्टॉलेशन की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, और आपको बहुत जल्दी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, तो जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इंस्टॉल कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं कि हाँ कौन सा पैनल लगाना है और कहाँ पे लगाना है, और ये हमारा आपको नंबर फ्लैश करता मिल रहा है, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा अपने फ्रेंड्स में।